Hello learners, welcome to this session of Testbook Super Coaching. My name is Tulika and I am UGC Net Paper One faculty and these are the timings of my free live session on YouTube and Testbook app. सोलर्नर्स so आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि न केवल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है बट करंट अफेयर्स का भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोलर्नर्स डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल डू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल सो दैट आई कैन शेयर ऑल माई पीडीएफ ऑन दैट वेरी प्लेटफॉर्म सोलर्नर्स आज हम बात करेंगे अबाउट इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जिसे इन वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे भी कहा जाता है सो मार्च ट्वेंटी फर्स्ट हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड एज दी वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे सो 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया था बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली दैट इज यू इन द ईयर टू तो इस दिन को डिक्लेयर करने की शुरुआत हुई थी दो से एवर सिंस देन उसके बाद से ही इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें अमंग द पीपल कैसे हम अपने फॉरेस्ट्स को कंजर्व कर सकते हैं कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम एक इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन कर सकें हर साल जो भी इस तरह के इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उनकी कोई ना कोई इम्पो कोई थीम होती है सो so, इस साल की 2023 की इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे की थीम है फॉरेस्ट एंड हेल्थ तो ये कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्वेंटी मार्च को हम वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे या इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेट करते हैं ये प्रोसेस 2012 से चला आ रहा है द पर्पज बिहाइंड इज टू क्रिएट अवेयरनेस एंड दिस इयर थीम वॉज फॉरेस्ट एंड हेल्थ सम अदर थिंग्स विच वी नीड टू रिमेम नो अबाउट इट अभी के हिसाब से जो लास्ट हमारे पास स्टेट फॉरेस्ट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को अगर हम अपना आधार माने तो क्या है फॉरेस्ट का कवर हमारी कंट्री में वील क्विकली हैव अ लुक सबसे पहले ये जो फॉरेस्ट की रिपोर्ट तैयार होती है ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रेडी करता है ठीक है तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय दी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जिसे ये मैंडेट मिला हुआ है कि वो सारे फॉरेस्ट को ट्री रिसोर्स को असेस करे पूरी कंट्री के फॉरेस्ट को असेस करके उसके बाद वो बताते हैं कि, कि कितना एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर आता है सो so, अगर हम बात करें जोग्राफिकली सो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर हमारी कंट्री का जो है वो 80.9 मिलियन हेक्टेयर है जो कि करीब 24.62 परसेंट है पूरे जोग्राफिकल एरिया का दैट मींस 25 परसेंट से कम हम हमारा फॉरेस्ट कवर है इफ यू टॉक अबाउट दी ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ आर कंट्री नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इज इफ वी कंपेयर द असेसमेंट ये जो असेसमेंट आया है ये 2021 का है बट अगर हम इसे 2019 से कंपेयर करें इफ वी कंपेयर द असेसमेंट ऑफ 2019 यहां पे हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है करीब 2261 स्क्वायर किलोमीटर टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर में इनहेंसमेंट हुआ है इस असेसमेंट में जो कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है इसमें यह बात भी रिवील की गई है कि सत्रह स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनका फॉरेस्ट कवर जो है वो 33 प्रतिशत से ज्यादा है विच इज अ वेरी इनकरेजिंग ट्रेंड सो असेसमेंट रिवील डेट सेवेंटीन यूनियन टेरिटरीज एंड ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया जो कि फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत आता है सो so, कौन है वो टॉप थ्री स्टेट्स वी नीड टू नो अबाउट दैट इज़ वेल सो जिन्होंने इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर शो किया है ऐसी तीन स्टेट्स जिन्होंने इन्हेंसमेंट इम्प्रूवमेंट शो किया है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग देयर फॉरेस्ट कवर इज़ आंध्र प्रदेश तेलंगाना एंड ओडिशा अगर हम एरिया वाइज बात करें तो आज भी मध्य प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है कंट्री में विच इज़ फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश छत्तीसगढ़ ओडिशा एंड महाराष्ट्र तो ये हमारी कुछ स्टेट्स हैं जिनमें जिनका फॉरेस्ट कवर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे मैंशंट है अगर यहाँ पे हम बात करें ओवरऑल टॉप फाइव स्टेट्स की इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर सो इट इज मिजोरम हैविंग 84.53 परसेंट अरुणाचल प्रदेश हैविंग 79.33% परसेंट मेघालय 76% सिक्स परसेंट मनीपुर सेवेंटी परसेंट एंड नागालैंड 73.90% थ्री परसेंट इफ़ यू टॉक अबाउट द मैंग्रोव क्योंकि हमने ये देखा है कि मैनग्रूव भी बहुत हेल्प करते हैं बायोडावर्सिटी को सस्टेन करने के लिए इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए सो टोटल मैंग्रोव कवर जो है हमारी कंट्री में वो करीब स्क्वायर किलोमीटर का है और इसमें भी अगर हम 2019 से बात करें तो हमें एक इन्हांसमेंट देखने को मिला है देर हैज एन इंक्रीज ऑफ 17 स्क्वायर किलोमीटर इन मैंग्रोव कवर अगर हम कंपेयर कर रहे हैं 2019 से विजब ट्वेंटी ट्वेंटी सो ऐसे तीन स्टेट्स जिन्होंने मैंग्रोव कवर में इंक्रीज किया है अपना जो स्प्रेड है एरिया जो कि मैंग्रोव को कवर करता है दैट इज ओडिशा महाराष्ट्र एंड कर्नाटका सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिलेटेड टू Uh, International Forest Day, which we all need to know. So, I hope you found the session to be informative and interesting. Do let me know in the comments and do like, share, and subscribe to our channel. Thank you so much.